वैष्णो देवी में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह वैष्णो देवी भवन के पास गेट नंबर 3 पर एक चट्टान श्रद्धालुओं के ट्रक पर गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए हैं। हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है, हालांकि अभी कोई पुख्ता जानकारी या संख्या सामने नहीं आई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, बचाव और राहत का कार्य शुरू हो गया है। इससे पहले अर्धकुमारी के पास भूस्खलन में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 8 श्रद्धालु घायल हो गए थे। तो वैष्णो देवी में एक महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा है। आज हुए हादसे में अभी तक एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।